हाल ही में पवन अरु उत्तराखंड गए थे, लेकिन मजाल जो इनकी एक साथ एक झलक भी देखने को मिली हो। जबकि काफी दिन तक पवन अरु एक साथ उत्तराखंड में रहे, एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताया। सुनने में तो ये भी आया था कि इन्होंने उत्तराखंड में एक गाना भी रिकॉर्ड करवाया था और पवन अरुता को अपने घर भी लेकर गए थे। लेकिन पवन अरु उत्तराखंड में कैमरे से बचते रहे, वो फैंस से भी दूर रहे कि कहीं इनकी ये फोटो शेयर ना कर दें। ऐसा पवन अरु ने क्यों किया ये तो वही जाने, लेकिन अब पवन अरु ने उत्तराखंड की फोटो शेयर की है। जी हाँ, पवन अरु दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे नजर आ रहे हैं। दोनों उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में आनंद लेते नजर आए। पवन अरु बहुत खुश दिख रहे हैं। अरुणिता खुले बालों के साथ ब्लैक बिंदी लगाए पवन के सिर से सिर जोड़कर पोज देती नजर आ रही हैं। वहीं पवन के चेहरे की स्माइल भी बता रही है कि वो अरुणिता के साथ कितना खुश है। पवन के संग अरुणिता ने यहाँ खूब शॉपिंग भी की और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अरुणिता यहाँ की फेमस चीजें लेकर गई हैं। पवन अरुणिता काम के अलावा घूमने भी निकले। इससे पहले जब पवन अरुणिता एक साथ उत्तराखंड गए थे तो इन्होंने यहाँ अरुणिता को अपनी पसंदीदा बाइक पर बैठा कर राइड भी करवाई थी। पवन जब भी घर जाते हैं तो राइड और ड्राइव जरूर करते हैं और जब अरुणिता उनके साथ होती है तो ये मजा दोगुना हो जाता है। सिंगर पवनदीप राजन के एक बाद एक कई गाने रिलीज हो रहे हैं। वो एक से एक नए गाने लेकर आ रहे हैं और हर रोज वो अपने नए हुनर के साथ फैंस को खुश करने में लगे हैं। इस बार फिर पवनदीप राजन याद गाना लेकर आए हैं, लेकिन इस बार उन्हें अपने इस गाने को लेकर बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, बड़ा झटका लगा है। पवनदीप का याद गाना रिलीज होकर कैंसिल कर दिया गया। हम आपको बता दें कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पवनदीप का गाना यूट्यूब पर शेयर किया गया, उसके बाद उसे हटा दिया गया। आखिर पवनदीप ने ऐसा क्या किया कि उनके साथ ऐसी हरकत की गई है? फिर पवनदीप तो सबके चहेते हैं, फिर अचानक से उनके गाने को क्यों हटा दिया गया? अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि पवनदीप की किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई है, बल्कि खास वजह से पवनदीप का गाना YouTube चैनल से हटा दिया गया है। जी हाँ, पवनदीप का आज याद गाना रिलीज हो चुका है, जिसे म्यूजिक पायर YouTube चैनल ने पब्लिश किया है, लेकिन अचानक से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से गाना कुछ ही देर बाद चैनल से हटा दिया गया। पवनदीप ने इसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया है। पवनदीप ने फैंस को बता दिया कि घबराने की बात नहीं है, बस कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से गाने को तुरंत हटाना पड़ा, लेकिन जल्दी वापस से रिलीज कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप बताएं कि आपको ये गाना कैसा लगा। पवनदीप का याद गाना उत्तराखंडी भाषा में तैयार किया गया था, लेकिन फैंस की डिमांड के बाद पवनदीप ने इसका हिंदी वर्जन भी रिकॉर्ड किया है, जिसके रिलीज होने का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आज रिलीज हुआ तो यूट्यूब चैनल से हटा भी दिया गया है। पवनदीप अरुणिता सुपरस्टार सिंगर 2 का आने वाला एपिसोड शूट कर चुके हैं। जी हाँ, सैटरडे संडे में क्या होने वाला है वो प्रोमो से पता चल चुका है। इस बार के एपिसोड में वरुण धवन, कियारा आडवाणी, अनिल कपूर नजर आने वाले हैं। इन तीनों सुपरस्टार ने सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर खूब धमाल मचाया, पूरे दिन खूब मस्ती की। पवन अरुणिता की तारीफ करते हुए दिखे ये तीनों स्टार और फिर इनकी टांग खिंचाई भी की। पवन अरुणिता ने इस पूरे एपिसोड को शूट कर लिया है और फिर ये अपने नए प्रोजेक्ट के लिए निकल गए। जी हाँ, कल रात पवन अरु को एक नए स्टूडियो में देखा गया। पवन अरु इस स्टूडियो में अपना नया गाना रिकॉर्ड करवाने आए हैं और फिर यहाँ इन्होंने रात भर पार्टी भी की। पार्टी करने के बाद अरुणिता की हालत देखकर फैंस भी शॉक्ड रह गए। हम आपको अरुणिता के नशे वाली पूरी कहानी डिटेल में बताते हैं, फिर आप ही अरुणिता के बारे में क्या सोच रहे हैं हमें लिख कर बताइए। दरअसल कंटेंट टीम के ऑफिस की तरफ से पवन अरुणिता को रात में स्टूडियो में बुलाया गया। बेशक इन्हें गाने का ऑफर दिया गया था, पवन अरुणिता ने रात में मिलने का टाइम दिया था क्योंकि पूरे दिन ये काम में बहुत बिजी रहते हैं। और फिर जब ये वहाँ पहुँचे तो ये सब शॉक्ड रह गए। पवन अरुणिता ने ऑफिस में जाकर देखा कि वहाँ तो बर्थडे पार्टी हो रही है। दरअसल कंटेंट टीम के ऑफिस के एक शख्स का बर्थडे था जो कि सुपरस्टार सिंगर 2 के मेकर्स भी हैं। ऐसे में पवन अरुणिता के लिए ये कोई अनजान शख्स नहीं है, इसलिए इन्होंने इनके साथ रात भर पार्टी की। पार्टी में अरुणिता पवन ने कई सारे गाने भी गाए, महफिल रंगीन कर दी। अरुणिता का तो नशा चढ़ता ही जा रहा था, बार बार रोमांटिक गाने गाने का नशा चढ़ गया, जिसके बाद अरुणिता पवन का हाथ पकड़ कर गाना गाती दिखी। वो इस पार्टी को इस कदर एंजॉय करती दिखी कि वो भूल गई थी कि उनका हाथ पवन के कंधे पर है, कि कभी उनका सर पवन की गोद में। अरुणिता इस पार्टी को एंजॉय करते वक्त बहुत खुश दिखी। अरुणिता को पहली बार पवन के साथ ऐसी पार्टी एंजॉय करते देखा गया। तो आप अरुणिता के बारे में क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।
सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर जुग जुग जियो की टीम का जोरदार स्वागत किया गया। कियारा आडवाणी और अनिल कपूर, वरुण धवन ने सेट पर आते ही धमाल मचा दिया। तीनों स्टार्स ने पवन अरुणता संग अपनी आने वाली फिल्म के गानों पर खूब डांस किया। वीडियो में देखा जा रहा है कियारा आडवाणी ब्लैक साड़ी में कहर ढा रही है। कियारा अनिल कपूर संग ठुमके लगाती नजर आ रही है। कियारा, वरुण और अनिल कपूर के साथ पवन और अरुणता भी खूब नाचते हैं। कियारा और वरुण के स्वागत में पवन अरु दोनों मंच पर एक साथ परफॉर्म भी करते हैं। इस मौके पर अरुणता रेड साड़ी पहनी नजर आई, वहीं पवन भी उनकी साड़ी के मैचिंग कपड़े पहने दिखे। सभी जजेस ने खूब धमाल मचाया। कियारा, वरुण और अनिल भी इनकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हुए। इनके अलावा सिंगर केके को भी ट्रिब्यूट किया गया। मंच पर केके के कई सारे गाने गाए गए। इस मौके पर सभी जजेस, कैप्टन, कंटेस्टेंट इमोशनल हो गए। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में सुपरस्टार सिंगर केके ने मंच पर गाना गाते वक्त दम तोड़ दिया था। केके सही सलामत अपने घर से निकले थे। वो परफॉर्म करके होटल में पहुंच गए थे, तभी आधी रात में उनकी तबीयत बिगड़ी और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही केके ने दुनिया को अलविदा कह दिया। केके के अचानक चले जाने से हर कोई शॉक्ड रह गया। पवनदीप अरुणता के फैंस के लिए गुड न्यूज सामने आई है, जिसे सुनने के बाद आप पवन अरु को बधाई दिए बिना नहीं रह पाएंगे। जी हाँ, पवनदीप अरुणिता के जिस गाने का इंतजार किया जा रहा था उसको लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। दरअसल पवन अरु ने हाल ही में एक नया गाना रिकॉर्ड करवाया था। गाना कब रिलीज होगा और क्या नाम है इस बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन अब गाने के रिलीजिंग डेट से लेकर गाने का नाम तक सबकी जानकारी पवन अरुणिता ने अपने फैंस को दे दी है। पवन अरुणिता का जो नया गाना रिलीज होने वाला है, जिसकी हाल ही में इन्होंने रिकॉर्डिंग की थी, उसका नाम है तेरे संग झूम झूम लागे। तेरे संग झूम झूम लागे का नया पोस्टर भी सामने आ चुका है और अब बस रिलीज होने का इंतजार किया जा रहा है। जी हाँ, पवन अरु के फैंस को अब कुछ ही दिन इंतजार करना होगा। पवन अरु ने बताया कि बस 4-5 दिन की बात है, उसके बाद आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। और पवन अरु इस गाने से अपने फैंस को एक बड़ा तोहफा दे रहे हैं। पवन अरु एक बार फिर से गाने में अपने फैंस की धड़कने बढ़ाने आ रहे हैं। हमें यकीन है कि पवन अरु का ये गाना बहुत पसंद किया जाएगा और रिलीज होते ही हिट भी जाएगा। इसके पीछे की एक वजह ये है कि पवन अरु काफी टाइम बाद कोई गाना रिकॉर्ड करवा रहे हैं, और दूसरी वजह यह है कि कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को सच में प्यार भी करने लगे हैं। ऐसे में इस गाने में इनके यादगार पल भी महसूस किए जाएंगे। पवन अरुणता का इस गाने का स्टूडियो वर्जन भी आने वाला है और उसमें पवन अरु एक बार फिर एक दूसरे से रोमांस करते दिखेंगे, प्यार करते दिखेंगे, और फैंस इन्हें एक साथ देखना ही पसंद करते हैं। इनके लिए कमेंट करते हैं कि दोनों एक साथ ही गाना गाएं। वेल, अब तक आपने अगर इन्हें बधाई नहीं दी तो बिल्कुल ना भूलें। और सबसे पहले पवन अरु की तारीफ में आप क्या कहेंगे?